छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति नहीं दर्ज होने पर कलेक्टर ने 21 प्राचार्यों को नोटिस जारी किया है और उन्हें 3 दिन में जवाब तलब करने के आदेश दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल ये पूरा मामला भिंड का है। यह पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण के प्रभारी सहायक संचालक व संयुक्त कलेक्टर इकबाल मोहम्मद ने छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न होने पर 21 कॉलेज प्राचार्यों को नोटिस थमा दिया है। बताया जा रहा है कि उपस्थिति दर्ज नहीं होने से कई छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हैं। बताया जा रहा है कि निश्चित अवधि में जवाब नहीं देने पर शासन को पत्र लिखकर मान्यता निरस्त करवाने की कार्रवाई भी की जाएगी। मामले में संयुक्त कलेक्टर ने कहा कि 21 प्राचार्यों को नोटिस दिया गया है, जवाब नहीं देने पर संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। 21 कॉलेज के प्राचार्यों को नोटिस दिया गया है, तो उनमें जो अध्ययनरत छात्र थे उनकी उपस्थिति को ऑनलाइन करके उनको लॉक नहीं किया गया है, जिस वजह से छात्रवृत्ति वितरण में व्यवधान आ रहा है। इस वजह से उनको नोटिस जारी किया गया है कि वो तत्काल उनके जो विभाग है उसको कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा यदि समय सीमा में उनके द्वारा जवाब। सांसद संध्या राय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ऐसा प्रकरण है तो वे खुद प्रशासन से चर्चा करेंगी। नहीं, अगर कोई ऐसा प्रकरण है तो आप मुझे दें, मैं बात करूंगी प्रशासन से। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि प्राचार्यों द्वारा इस मामले में क्या जवाब दिया जाता है। हालांकि नोटिस जारी होने से प्राचार्यों में हड़कंप मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भिंड।